सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। शहजादे और हमें जिसने जलाने की कोशिश की थी, वो आज भी हमारी नजरों से ओझल हैं। हम महल कब पहुंचेंगे फिरोजे बाजी? बाबा की बहुत याद आ रही है। बस पहुंचने वाले हैं शहजादे। सुल्ताने मौसम, यूनानी हुकूमत के नुमाइंदे हथियार डालने के मुआहदे के लिए यहाँ आने वाले हैं। वो जासूस तरक्की करते करते कार्डिनल बन चुका है। वो अजीम पादरी का दायां हाथ है। एक बात याद रखें, खलीफा इस्लाम की पीठ में खंजर घोंपना है हमें। बंदरगाह और अतराफ के सारे इलाके फौरी तौर पर खाली कर दिए जाएं। हरगिज़ नहीं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश जंग ही है तो जाओ। सब खत्म हो गया। वॉलस बंदरगाह से जहाजों को निशाना बनाया गया है। बर्तानवी जहाज गर्क हो चुके हैं। अगर आप हथियार डालने पर राजी हैं तो हमारी तमाम शरायत ये है, ना तो मुलाकात की जरूरत है और ना ही किसी सौदेबाजी की। वो बादशाह और मलिका जिनकी ये नुमाइंदगी कर रहे थे, अब वो नए आलमी निजाम के हुक्मरान की पैरवी करेंगे। गलती तस्लीम करो और खामोश हो जाओ। सोचा भी कैसे तुमने कि तुम यहाँ रह सकती हो? मेरी सुल्ताना, मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपको धोखा नहीं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। बाहर निकालें इस औरत को यहाँ से और हरगिज दोबारा अंदर मत आने देना। शहजादी सादिया, खुश आमदीद। सफर कैसा रहा आपका? बहुत थक गई होंगी आप। सफर में सिर्फ एक ही सवाल करती रही कि कब पहुंचेंगे। सुल्तान मुअज्जम से मिलने की बहुत जल्दी थी इन्हें। बाबा कहाँ है? हमारा इस्तकबाल नहीं किया उन्होंने। आपके बाबा एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ हैं। थोड़ी ही देर में वो आपसे मिलेंगे।
एमसली नूर खातून कैसी हैं? बुरसा का मौसम उनके लिए मुफीद साबित हुआ। बहुत खूब। यहाँ से वापस जाने से पहले कुछ दिन महल में रहकर आराम कर लेना। फिरोजा, चलिए अंदर चलते हैं। बहुत शुक्रिया, ले जाऊंगी मैं। हम बाबा से कब मिल पाएंगे? कुछ बता नहीं सकते। बेहतर होगा कि आप अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आपने पापा को खबर कर दी ना? हाँ बिल्कुल, वो बेसब्री से मुंतजिर है आपके। सुल्तान मौसम, बर्लिन में नाटक के दौरान एक हादसा हो गया है। उसका ताल्लुक आपसे था, उस्मानियों के जवाल की वजह बनने वाली साजिश। उसमें एक मंजर ऐसा था जो मेरे ख्याल से हमारे भतीजे मुराद अफंदी ने किया होगा। बाबा, खुशामदीद हमारी नन्नी परी। खुशामदीद शहजादी। हम आ गए। खुशामदीद। मेरे सुल्तान माफ कीजिएगा, शहजादी आपसे मिलने के लिए इतनी बेकरार थी कि हम इन्हें रोक नहीं सके। हमें याद किया आपने। जी बहुत याद आ रही थी आपकी। हमने भी बहुत याद किया आपको। बहुत बड़ी हो गई है ये, माशाल्लाह। यही कह रहे हैं सब लोग, आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल बड़ी हो गई हैं, माशाल्लाह हमारी नन्नी शहजादी, माशाल्लाह। कमरा देखा आपने अपना? अभी नहीं, क्या वो अच्छा है? हमने तो आपका कमरा नहीं देखा अभी तक, आप खुद जाएं देख लें जाकर। अल्लाह हाफिज सुल्तान मौज़म। अल्लाह हाफिज शहजादी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें कुछ वक्त बच्चों के साथ जरूर गुजारना चाहिए पाशा, बहुत मासूम होते हैं बच्चे। जो अपनी मासूमियत खो दे पाशा, वो फिर इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। नया दौर शुरू हो रहा है, शहंशाहों और मजहबी रहनुमाओं का वक्त खत्म, दौलत दुनिया की हाकिम होगी। जनाब एक रियासत तो अपनी अहमियत गंवा सकती है, लेकिन सरमाए की अहमियत कम नहीं होगी। वेटिकन को मैंने आपका शराकती इदारा बनाने से इनकार किया, तो इसलिए आप मेरे मुकाबिल बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपके मुकाबिल नहीं बल्कि आपके साथ हूँ। आप कलीसा के रूहे रवा हैं, बस यूं समझे कि खुदा का हुक्म है ये। अगर इनकार करूं तो खुदा आपको बरतरफ कर देगा। जनाब कारवोस, आप होते कौन हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? जिन्होंने आपको पादरी आजम मुंतखब किया है वो मेरे मकरूस हैं। पुरसुकून हो जाए। लोग नए निजाम में दीन, नामूस और जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, दौलत के लिए लड़ेंगे। पादरी आजम, मुखालफत ला हासिल है। अब्दुल हमीद भी जानता है कि मुस्तकबिल में तेल ही सबसे बड़ी ताकत होगी, मगर आप अब भी तंग नजर हैं। आप ईसाइयों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। सलीब और छह कोनों वाला ये सितारा सिर्फ नकदी पर ही इकट्ठे हो सकते हैं। अब्दुल हमीद ने 2 साल पहले एक जर्मन इदारे से उस्मानिया सल्तनत में जहां तेल निकल सकता था उन जगहों की तलाश का मुआहदा किया था। उनका काम मुकम्मल हो गया, लेकिन उनका एक इंजीनियर अब्दुल हमीद के पास नक्शे लेकर जाने के बजाय फरार हो गया है। उस इंसान को तमगा जुर्रत से नवाजना चाहिए।
अब्दुल हमीद की चीज चुराने वाला कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वो इंजीनियर इस वक्त ग्रैंड बर्लिन होटल में मुकीम है। इस सूरत में आपको यहाँ नहीं बर्लिन में उस आदमी के पास होना चाहिए जनाब पार्वोस। आपको क्या लगता है कि वो इंजीनियर अब्दुल हमीद के जासूसों की नजरों से दूर होगा? अगर तमगा जुर्रत देना ही हुआ तो उसकी लाश को देना होगा। पादरी आजम, बहुत खूब, क्या लाऊं आपके लिए? एक खूबसूरत हसीना रेशम की चादर में लिपटी हुई। जबरदस्त, क्या बात है, मैं तुम्हें टर्किश सिखाऊंगा। चलो मश्क करते हैं। सबसे पहले माजरत चाहता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। फिर जी ठीक है। कहो क्या हुआ है, इस तरह से मुझे क्यों बुलाया तुमने? जरूरत थी। क्या जरूरत थी? तुम उस गैर मुल्की लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं तो बस टर्किश में उसे नजम पढ़नी सिखा रहा था। ये तहजीबी फतह है, सोचो जरा, बर्लिन की सड़कों पर एंद्रूनी वासिफ की नजमें पढ़ी जा रही हूँ, कितने फख्र की बात होगी। अच्छा चलो, चोर रवाना हो रहा है, हमें ये पता लगाना है कि इसने नक्शे आखिर कहाँ छुपाए हैं। अलविदा, फिर मिलेंगे। कहाँ जा रहा होगा ये? वहीं जहां मार खा के ये नक्शे हमारे हवाले करेगा। भागो यहां से, भागो शैतानों। हम तो पटाखों से भी डरने लगे, शायद ये हमारा ध्यान बटाने के लिए था। वो आदमी गायब हो गया। आप तेल की अहमियत बयान कर रहे थे, और क्या इतनी मेहनत से बनाए गए नक्शे अब्दुल हमीद के पास जाने देंगे या फिर आप खुद हासिल करना चाहते हैं? अब्दुल हमीद की नजरों में आए बगैर ऐसी कोई भी तहकीक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फर्ज करें ऐसा मौका मिल भी जाए तो 2 साल लग जाएंगे इस काम में। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो कोई मंसूबा है आपके जहन में? नए आलमी निजाम में मेहनत कोई और करता है और फायदा किसी और को मिलता है। अब्दुल हमीद के जासूस वो नक्शे तलाश करेंगे और फिर उनसे मैं हासिल कर लूंगा। मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। इसीलिए तो आप पादरी आजम हैं और मैं नए आलमी निजाम का बानी। कहां जा रहे हैं? पाया तख्त, अब्दुल हमीद के तमाम दुश्मनों को एक छत के नीचे जमा करने का वक्त आ गया है। मेरे नजरियात ख्वाब सहूनियत और अजीम इसराइल, अब्दुल हमीद ने मेरे सारे ख्वाब कुचल के रख दिए हैं बाबा। मैं अब तन्हा हूं,
मैं अपने अकायद और इसराइल के साथ तन्हा हूं। आप भी चले गए, आपने ना सही, पर मैंने आपसे हमेशा प्यार किया है बाबा। मगर आप जीत गए और मैं हार गया। ये सिक्का दावतनामा है बाबा, पारवुस ने अब्दुल हमीद के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। अजीम इसराइल, आपका बेटा थियोडोर, बेंजामिन थियोडोर हर्जल, अपने वतन से दूर दफन नहीं किया जाएगा। मेरे सामने वाहिद पहाड़, एक बंद दरवाजा, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अब्दुल हमीद है। जिस दिन अब्दुल हमीद की तदफीन होगी, उसी दिन इसराइल का कयाम होगा। कैसे याद किया मुझे? किसी मुसीबत का सामना हो गया है क्या? सारा की याद ताजा कर रहा हूं इस जगह बैठकर। बाहर का नजारा किया करती थी वो। बहुत लोगों को कत्ल किया है मैंने, और सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अगर आप एक बार मर गए तो आपको कोई नहीं मार सकता। सारा के लिए इतना अफसरदा मत हूं। मैं जब भी उसे याद करता हूं तो हर बार मरता हूं, और मरता ही रहता हूं। मेरा गुस्सा इंतकाम की आग को मजीद भड़काता है। पारवुस का दावतनामा, वो नई दुनिया की खोज में है, और उस दुनिया में अब्दुल हमीद की जगह बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। उस्मान पाशा, कौन है वहां? हम हैं खदीजा। शहजादी खदीजा, क्या हुआ? खैरियत तो है? हम ठीक हैं, लेकिन वो हम कमालुद्दीन पाशा के मुतालिक आपसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं। नाइमे सुल्तान उनके लिए बहुत परेशानी में मुब्तला है। बस ये मालूम करना था कि सब खैरियत तो है, कोई परेशानी की बात तो नहीं? मुझे अभी तक उसकी कोई खबर मौसूल नहीं हुई। अच्छी उम्मीद के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन आप जानती हैं,
अगर शहादत नसीब हुई तो अल्लाह की तरफ से होगी। शब खैर। बाजी क्या हुआ, क्या कहा उस्मान बादशाह ने? अगर शहादत नसीब हुई तो अल्लाह की तरफ से होगी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भेड़िया बनाया है शहजादी। ये भेड़िया नहीं है, भेड़ है। तो इसका मतलब ये वो भेड़ है जो भेड़िए जैसी लग रही है ना? हो सकता है। खुशामदीद सुल्ताना, क्या हुक्म है मेरे लिए? शहजादी, आज से शहजादी सादिया की देखभाल दिलाए काल्फा करेंगी। सुल्तान खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। खाने के बाद मैं सादिया सुल्तान को सुला दूंगी। इनकी आदत है ये सोने से पहले कहानी सुनती हैं। दिलाए काल्फा संभाल लेंगी सब। बेहतर होगा बुर्सा के सफर से कबल कुछ आराम कर लें आप। मैं वो नहीं जो यहां से जाऊंगी। तुम जाओगी बेदार सुल्तान, देख लेना। सादिया कैसी हैं? काफी बड़ी हो गई हैं और पिछले एक साल में बहुत बदल भी गई हैं माशाल्लाह। सादिया के बारे में बात कर रही हैं आप? जी मेरे सुल्तान, हम अब्दुल कादिर को उनके बारे में ही बता रहे थे। वो हैं कहाँ? वालिदा लेने गई हैं। बाबा जान। नूरे नजर, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ये तो वाकई बहुत बड़ी हो गई है, पहचान ही नहीं पाए इन्हें हम, और खूबसूरत भी हो गई है बहुत। क्या हम पहले बदसूरत थे? चलिए आइए। शहजादी आप यहाँ जाइए, आप यहाँ बैठिए अपने बाबा के सामने। आइए बैठ जाइए। इस दुनिया का एक ही हकीकी सरमाया है, खानदान। आफरीन, हमारी ये खुशनसीब भी आप ही लोगों के दम से कायम है। हम भी बहुत खुश हैं सुल्तान मौसम। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहजादी नाई में खुश नहीं लग रही, किसी परेशानी में मुब्तला है क्या? बताइए हमें क्या बात है। सुल्तान मौज़म, दरअसल वापस आने वाले दस्तों में कमालुद्दीन पाशा मौजूद नहीं है, इसीलिए ये थोड़ी फिक्रमंद हैं। कमालुद्दीन पाशा, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहादुर और माहिर सिपाही हैं। यही वजह है कि हमने उन्हें एक अहम फरीजा सौंपा हुआ है। कुछ वक्त लग सकता है, जल्द ही वो बखैरियत वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप खाना खाइए। फूफी जान, महमूद फूफा कहाँ है?
जाओ। चले जाओ, अंदर एक लाश पड़ी है, बदबू नहीं आ रही क्या? या अल्लाह, कितना जिद्दी है। कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? बाबा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने क्या किया है? ये मैं नहीं हूं सबाहतीन, तुम्हारी वालिदा और तुम हो जो मुझसे दूर हुए हो। देखो मेरी तरफ, मैं गरीब तंगदस्त हूं, मैं बेचारा हूं, एक मफलूकुल हाल इंसान हूं। उन्होंने तुम्हें, तुम्हारी वालिदा, खानदान मेरा, मेरा माल और दौलत, मेरा वकार, पाशा का औहदा, मकाम और मर्तबा तक छीन लिया। यानी सबाहतीन, मेरा जमीर अगर बात कर सकता तो सिर्फ शर्मिंदगी का इजहार करता। बेटा, तुमसे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है जो मांगता हूं मैं। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी जगह है, जमीर में जरा सी भी जिंदगी की रमक है, तो दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है बाबा, मैं अब यहां कभी नहीं आऊंगा। अरे अल्लाह के वास्ते रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। कहां जा रहे हो तुम? आओ इधर आओ, बैठो बैठो, यहां बैठो। खुश आमदीद, मेरे लिए खाना लाए हो? हाय अल्लाह, मुर्गी की टांग। सबहुद्दीन, वेटिकन से हमारे जासूस ने पैगाम भेजा है। पैगाम पढ़िए पाशा। मैं जिंदगी भर आपका वफादार रहूंगा। यह आपकी बताई हुई नई जबान में पहला पैगाम है। कल पादरी आजम की मुख्तलिफ रियासतों के नुमाइंदों के साथ खुफिया मुलाकात हुई थी। वो बहुत बेसब्री से बरतानवी हमले की कामयाबी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर ये खबर मिली कि बरतानवी जहाज डूब गए हैं। फिर एक पुरस्कार आदमी आया और मालूम हुआ कि उन नुमाइंदों के लिए खाने पीने का जो सामान था वो सब जहर आलूद था। उस आदमी ने अपना तारुफ नए आलमी निजाम के वजीर के तौर पर करवाया, उन चोरीशुदा नक्शों की बात की जो इस वक्त आपको मतलूब हैं। कोई है जो आपके जासूसों का ताकुब कर रहा है। उसका कहना था कि वो ये नक्शे हासिल कर लेगा। इतने साल मैंने कलीसा में ईसाइयों के दरमियान कार्डिनल का लिबास पहनकर गुजारे हैं, और आज कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तुमसे राजी हो। तुम्हारी वालिदा कैसी हैं सबाहतीन? वो ठीक हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं। मतलब मेरे गम में वो बीमार होंगी, हालत खराब हो गई होगी बेटा, मैं उनके लिए बहुत परेशान हूं। परेशान मत हो, आपके बारे में सोचती भी नहीं है वो। क्या वाकई? उम्मीद तो थी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। बाबा, वो क्या है? फांसी का फंदा। जो काम अब्दुल हमीद ने नहीं किया वो काम आप खुद अपने हाथों से करने वाले हैं सबाहतीन। यानी
इस कमरे में ऐसे रहना मुश्किल काम है, जमीर का चौके लगाता है। यानी माजी में मैंने जो गुनाह किए थे मुसलसल मेरा ताकुब कर रहे हैं वो, तो क्या करता मैं, फांसी का ये फंदा तैयार कर लिया मैंने। बेहतर होगा कि फंदे से बचने की खुशी मनाया। हाँ बिल्कुल, वैसे ये जगह ताबूत से तो बेहतर है। पाशा बाबा जान, अगर अब्दुल हमीद वो तस्वीर देख लेता तो आप मरहूम पाशा बाबा जान बन जाते। वाकई उस तस्वीर का क्या हुआ जो अब्दुल कादिर ने बनवाई थी? नहीं मालूम, मेरे पहुंचने से पहले ही कोई ले जा चुका था उसे। मगर तुमने बहुत अच्छा काम किया, दो इंसानों की जानें बचाई तुमने। मैं दो बातें समझ नहीं सका बाबा, वो तस्वीर अब किसके पास है और अब्दुल हमीद ने आपको फांसी क्यों नहीं दी? वो मेरी जिंदगी मौत से बदतर बनाना चाहता है। अब्दुल हमीद की ज़हनियत में अच्छी तरह से जानता हूं सबाहद्दीन, मुझे एक बार में ही मारने के बजाय रोज रोज मरने के लिए यहां छोड़ दिया। आलमी बादशाह का वजीर खेल में शामिल हो रहा है पाशा, एक बादशाह से ज्यादा ताकत के साथ। मेरे सुल्तान, वो कौन सी शय है जो उसे बादशाह से ज्यादा ताकतवर बनाती है? सरमाया, तहसीन पाशा, सरमाया। इदारे दुनिया में नई सरहदें बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। जब उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों का इश्तराक किया तो एक माहिर इक्तसादियात को तफवीज किया, जरतुश्त के आतिशकदे में आग जलाई। वो आग उस वक्त ठंडी हो गई जब हमारे पैगंबर अकरम की विलादत बासादत हुई। उस आग को जलते रहने के लिए ईंधन कहां से लाया जाता था पाशा? तेल के कुएं से लाया जाता था। बहुत से जाहिल अरसे से इस तेल की पूजा करते चले आ रहे हैं। बाबिल के बादशाह ने इसके लिए जंग शुरू की, अब तारीख खुद को दोहराएगी। अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने वालों ने अपने लिए नए बुत तराश लिए हैं। यही वजह है पाशा कि हर कीमत पे हमें वो नक्शे हासिल करने होंगे। हमें उन जाहिलों के बनाए हुए नए बुतों को कब्जे में लेना होगा। आप बर्लिन में भतीजे मुराद को और सिपाही उस्मान को टेलीग्राम भेजें, कहें उनका ताकुब किया जा रहा है, मोहतात रहें। साथ ये भी कह दे के चाहे जान चली जाए वो नक्शे हर सूरत में पाए तक पहुंच जाने चाहिए। जो हुक्म आपका मेरे सुल्तान। अरे तुम ठीक तो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। रुक जाए शहजादी, शहजादी कहाँ चली गई आप? शहजादी, शहजादी सादिया, शहजादी हाँ, शुक्र है आप मिल गई। चले अब मेरे साथ चलें। हमें देखना है इसमें क्या है। ये फिरोजा का है शहजादी, किसी की जाती चीज को इस तरह देखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चले अब मेरे साथ। हमें देखना है। नहीं शहजादी, चलिए मेरे साथ। हमें देखना है। शहजादी, शहजादी ये अच्छी बात नहीं है। शहजादी क्या कर रही है? बताएं इसमें क्या है। मैंने कहा ना शहजादी, इसमें फिरोजा का जाती सामान है। चलिए अब मेरे साथ, जल्दी चलिए शहजादी, अब चले भी। मुझे पकड़ के दिखाएं। अरे शहजादी,
वालिदा। बेटा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लेकिन क्यों बेटा? बाबा कल उनके पास गया था। हमने कहा था उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। वालिदा वो भूखे प्यासे बदहाल रहते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। हमें उनसे कोई हमदर्दी नहीं। जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है उसके बाद वो इसी हालत के मुस्तहिक थे। सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं वो आपसे। क्या उनका इतना भी हक नहीं रहा आप पर वालिदा? नहीं सबाहती, उनका हम पर कोई हक नहीं रहा। जाकर उनसे कहिए ज्यादा इसरार का कोई फायदा नहीं, उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते हम। जाइए। आह वालिदा, आह वालिदा। मैं बाबा से क्या कहूंगा? तहसीन पाशा ने टेलीग्राम भेजा है, हमारा ताकुब हो रहा है। कौन है वो जो हमारा पीछा कर रहा है? वाह जबरदस्त, हम इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं जान सके, जबकि सुल्तान को उसका पता मिल भी गया। कहां ठहरा हुआ है? बर्लिन होटल। पाशा हजरत, हम हालत जंग से बाहर आ गए हैं। अगरचे बजाहिर हमने यूनानी अफवाज का मुकाबला किया, लेकिन अतालवी और डेनमार्क के फौजी भी मैदान जंग में हमारे मद्दे मुकाबिल थे। अंग्रेजों ने उनकी खुफिया मदद भी की थी, रूस ने असलहा फराहम किया, मगर फतेहयाब हम हुए, जीत हमारी हुई। हिजाजी दस्ते की रवानगी के वक्त अगर हमने गद्दार सिपाहियों को बरतरफ ना किया होता तो रियासत के कई खुफिया राजों तक दुश्मन रसाई हासिल कर लेता। दुरुस्त कहा पाशा, ना सिर्फ फौज को गद्दारों से पाक किया बल्कि सलीम पाशा को एक अहम ओहदे पर फाइज भी किया और यह हमारे खानदान में शामिल हो गए। जिनकी रूहें गद्दारी से आलूदा हो चुकी थीं, उन सब को हमने इस काउंसिल से फारग कर दिया। यह नक्शा यूनानी जंग शुरू करने वाले अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारा फर्जंद जलाल लंदन के महल से यह नक्शा लेकर आया था। उनकी ख्वाहिश है कि उस्मानी रियासत के टुकड़े करना, पाए तख्त के कलीसाओं में बैठकर उस्मानी रियासत को तकसीम किया जा रहा है। हमारे लिए कोनिया का कुर्बो जवार छोड़ दिया। ये यूनानी जंग हमारी ताकत का इम्तिहान थी। अगर हम कामयाब ना होते या कोई कमजोरी दिखाते तो दुनिया की तमाम बड़ी रियासतें हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी होती। क्या आप अपने इरादे से दस्तबरदार हो गए हैं? जब हमने अपना इरादा नहीं बदला तो वो इरादा कैसे बदल सकते हैं सलीम पाशा? क्या वो दुनिया से दस्तबरदार हो सकते हैं? क्या हम अजान देना छोड़ सकते हैं? जब हम अपना परचम लहराना नहीं छोड़ सकते तो वो क्यों छोड़ेंगे? ये नक्शा सामने है, इसके खिलाफ मजाहमत करना इम्कान के मुताबिक नहीं ईमान के मुताबिक करना है। उन लोगों के खिलाफ जो रियासत को बर्बाद करना चाहते हैं उनसे निजात की तैयारी करनी है, किसी से खौफजदा हुए बगैर। पाशा हजरत, हम रियासत के हर गोशे में तामीरात करेंगे। अनकरीब हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो ख्वाब में भी रियासत के बारे में सोचेंगे और जब सुबह उठेंगे तो यही सोचेंगे कि इस मिल्लत की खिदमत के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। हमने भी एक ख्वाब देखा था, याद है आपको? हमारा रेलवे मंसूबा आखिरी मराहिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोग जानते हैं कि वो क्यों चाहते हैं कि हम इस मंसूबे में कोई गलती करें? तेल के लिए मेरे सुल्तान। आफरीन, जहां दीगर बहुत से मकासिद हैं वहीं हमारी आरजू थी कि रेल की पटरी वहां से गुजरे जहां पर तेल मौजूद है। यह बात हमने राज रखी क्योंकि हम जानते थे कि दुनिया में नई सरहदें
تیل کے ذخائر کے مطابق ہوں گی۔ یہ نقشہ بنانے کا مقصد ریاست کے عوام سے آسانی کے ساتھ قیمتی زمینیں ہتھیانا ہے۔ ہم نے ایک ایسا نقشہ بنوایا جس میں ان علاقوں کی نشاندہی ہے جہاں تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ جلد وہ نقشہ ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سلطان معظم، کیا اس معاملے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیں گے؟ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے پاشا۔ ہم ایک ادارہ قائم کریں گے جو ہماری ریاست کی حمایت کرے گا۔ یہ ادارہ ان خطوں میں کام کرے گا جہاں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ہم جرمن ادارے سے بات کرتے ہیں، آپ ادارے کے منتظم اعلیٰ کو منتخب کریں۔ گریفن صاحب کو دعوت دی ہے آپ نے؟ حکم کی تعمیل ہو چکی ہے سلطان معظم۔ وہ ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہوگا، اس ادارے میں ہمارے شراکت دار صرف تکنیکی معاملات میں ہی شراکت دار ہوں گے۔ یہ نقشہ بنانے والے ہماری تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک یہ دنیا تہس نہس نہ ہو جائے، کوئی بھی ہمارے بڑھتے قدم روک نہیں سکے گا۔ ہماری زوجہ بنے گی آپ، ہمیں آپ کے جواب کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ خوش آمدید جناب گریفن۔ میں نہیں، تم ہوں۔ آپ کے بابا نے تیل کا ادارہ قائم کرنے کے لیے اشتہار دیا ہے، اگر یہ فریضہ آپ اپنے ذمہ لے لیں اور اسے انجام تک پہنچائیں تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ عبدالحمید خود وہ نقشے اپنے ہاتھوں سے دیکھا،